It's time to zip, zap, and zoom with the multi-talented Jaswant Singh Rathore from Ludhiana, Punjab. Amchi Mumbai. Hi. मुंबई के बारे में ये बात बड़ी मशहूर है कि जब तक यहाँ समंदर है तब तक दो चीजें पक्की मिलती रहेंगी सर. क्या? सिनेमा के अंदर स्मगलर, बाहर स्ट्रगलर. बिल्कुल. लेकिन स्मगलर आजकल खत्म हो गए या प्रोड्यूसर बन गए हैं, लेकिन स्ट्रगलर अभी भी हैं. तो सर आज बात करते हैं स्ट्रगलर की. जैसे कई पंजाब से आते हैं, वो सबसे पहले आते पंजाबी धर्म जी के बंगले पे जाता है. हाँ. जैसे मैं गया था, जैसे गेट खुला, और क्या हाल है बच्चे, ठीक है? मैं कहा सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं तो हैंडसम हूँ, तू सुना. तो एक अर्चना जैसी खूबसूरत लेडी, उनकी फैन, धर्म जी पहले मेरे को जाना है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. देखिए मेरा बेटा बिल्कुल शक्ल आप पर है, हंसता भी आप जैसे, रोता भी आप जैसे, बिल्कुल देखिए ना प्लीज आप जैसा लग रहा है. पहले कन्फ्यूजन दूर कीजिए, आप मेरी फैन है या जाम लगा रही है. इतने में सनी भाई आए, मैं कहा भाजी मैं आपका भी बड़ा फैन हूँ, देखो नरसिम्हा फिल्म देखकर डोले पे शेर भी बनाया है. हाँ. लेकिन ये तो बिल्ली लग रही है. मैं कहा भाई आपका इतना बड़ा डोला, मेरी डोली बिल्ली लगेगी? हाँ. मैं कहा एक बात और पूछनी है भाई, आपका हाथ सच में 2.5 किलो का? अरे परेशान हो गया मैं 2.5 किलो सुन के. एक फिल्म में क्या बोल दिया, परेशान कर दिया. आज सुबह सब्जी वाला पूछ रहा था भाजी क्या करे, मैं कहा जिम जा रहा हूँ. कह तकड़ी पे आ जाओ, टिंडे तो ना 2.5 किलो का बच्चा भूल गया. तो धर्म जी के बंगले के पीछे जुहू बीच है. हाँ. और वहां मेरे जैसे कई स्ट्रगल वहां चले जाते हैं, उनको कोई बता देता है यहाँ ना पुराने प्रोड्यूसर डायरेक्टर घूमते हैं, जॉगिंग करते हैं. हाँ. तो वहां पर स्ट्रगल परेशान करते हैं उनको. हाँ. तो जब मैंने देखा कुलभूषण साहब कबाल बाती कर रहे हैं, हीं, 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 तो स्ट्रगलर आके क्या है भाई क्यों परेशान कर रहे हो? सर हम एक्टर हैं, स्ट्रगलर थोड़ा मदद. देखो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तो खुद एक्टर हूं. लेकिन मैंने देखा कई हम्बल हीरो होते हैं जैसे अन्ना, सॉफ्ट स्पोकन, उनको कैसे इरिटेट कर देते हैं फैन. एक दिन मैंने देखा एयरपोर्ट पे अन्ना बैठे, तो इधर से फैन आ गया. सर हाय हो क्यों आयो? सर आपके बहुत बड़े फैन है सर, मोहरा हमें बेमिसाल टक्कर सब देखी है. थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू. आप लोगों के फैन की वजह से ही हम लोगों का वजूद है. थैंक यू सर, एक फोटो. आइए आइए आइए, थैंक यू. हाँ अभी आधा घंटा फ्लाइट लेट थी, फैन भी वही, अन्ना भी वही, फिर आ गए. आपका भी फ्लाइट लेट है सर. बढ़िया सर, एक बात पूछना था सर, होटल वेटल भी आपका? हाँ है. सर अक्षय सन्नी सब आपको जानते होंगे? हाँ सब दोस्त हैं बेटा. अच्छा उनका नंबर मिल सकता है व्हाट्सएप वाला? सर ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता. सर मेरे मोबाइल में अच्छी फोटो नहीं, आप महंगा वाला आप खींचिए ना. उन्होंने बॉय को परशु कौन है भगा इसको यहाँ. तो अन्ना गए बाथरूम में, वहां भी आ गए अन्ना खड़े. क्या यार बहुत मुश्किल है सेलिब्रिटी बनना. साथ में वो फोन लेके खड़ा है. क्या कर रहा है? ये क्या बदतमीजी है? नहीं सर आप कीजिए सर, यहीं तक आ रहा है. बाबा बाबा थप्पड़ मारू मैं बकवास. डिलीट करो फोटो. नहीं सर डिलीट नहीं, आप फेसबुक पे लाइव हैं. अच्छा लड़का, इसको फॉलो कीजिए. कहते हैं अर्चना जी कीड़ा नहीं मरता फिल्मी, मरने के बाद भी नहीं मरता. बिल्कुल. तो मुझे लगा जो हमारे बुजुर्ग कलाकार हैं फिल्म स्टार, वो एक दिन के लिए अपना कीड़ा निकालने, भी कैसी हमारी मुंबई नगरी. तो क्या माहौल होगा, सब फिल्मों की रीमेक बन रही है. धड़कन फिल्म की रीमेक बन रही थी. तो ओम प्रकाश को लगा मुझे रोमांटिक हीरो बनना, सुनील शेट्टी में घुस गए. अब अक्षय कुमार, देव किसने कहा तुमसे कि अंजलि तुमसे प्यार नहीं करती? देव इतनी मोहब्बत करते हमसे, मुझसे क्या पूछती हो अंजलि, अपनी धड़कन से पूछो. कौन सारा मरता है, और अगर मर भी गया अंजलि तो मैं जाकर धड़कूंगा तुम्हारे सीने में. मैं तुम्हें भूल जाऊं ये नहीं सकता. तुम मुझे भूल जाओगे मैं उन्हें नहीं दूंगा. तेरी की ऐसी की तैसी. इधर दिलवाले की रीमेक हो रही है, अजय देवगन में जगदीप साहब घुस गए. अरे वाह, हमें तो प्रोले लूटा,
खैर हो बे कहा था, अरे मेरी किश्ती वहां डूबी, अरे पानी कम था संभव, अरे प्रेश रावल साले मेरी सपना बांजी से दूर रहा, बनना मैं तेरे को डंडा कर दूंगा। अपने सरदे को संभाल के रखना बाबा ठाकुर, ये तुम्हारा डंडा झंडा अजंडा अजंडा झंडा लुड़ाने के काम आएगा। हजी जी हजी जी। घातक की रीमेक हो रही है, डैनी साहब में प्राण घुस गए, सनी साहब में संजीव कुमार। काशीनाथ हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर, और तुम्हें भी ये जानकर खुशी होगी कि आज से तुम मेरे गिरोह में काम करोगे बरखुरदार। ये मजदूर गाते गाते लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। तू क्या चाहता मैं तेरा कुत्ता बन के रहूं? तू कहे तो काटूं, तू कहे तो भौंकूं। अभी कुछ आत्माएं हमारे लाफ्टर के सेट पे आ गई। अच्छा, तारा सिंह जी ने रोशन को देखा, गया इस हिंदी में एंकरिंग हो सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। इनमें आत्मा आ गई दारा सिंह की। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, रोशन राव लाफ्टर का चूरमा खाएंगे, देसी को का चूरमा। दूध में नींबू डालो तो उसे फाड़ना कहते हैं। शेखर जिस तरह से तुम मुझे घूरते हो ये ताड़ना कहते हैं। अब मैं करेगी कॉमेडी का मस्ती। अर्चना तुम भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ, हो जाए फिर कुश्ती। अभी आ रहे हैं लुधियाना से पंजाब का हट्टी कट्टी। हिंदी की माँ बहन मत कर, वहां जाके बैठ जाओ उल्लू की पट्टी। तो अर्चना जी के पीछे आ गए केस्टो मुखर्जी। अर्चना जी आप क्या कहना चाहेगा? जसवान माइंड ब्लोइंग, जसवान तुमने जो हमको हंसाया है, मैं यही कहूंगी बहुत अच्छे। जसवान तुम मेरे लिए कॉमेडी की हीरो गुलाब हो। और मैं लास्ट में नहीं बोला पसंद ली, जसवान तुम लाफ्टर की हीरो गुलाब हो। क्या बात है, क्या बात है जसवंत, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत कमाल के तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड वी आर रियली प्राउड टू हैव यू जसवंत। थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनमेंट। थैंक यू। आज जो तुमने किया है वो मिमिक्री ही नहीं, वो कॉमेडी ही नहीं, आपके एक्ट में दिखाई देता है सेंस ऑफ स्टोरी, सेंस ऑफ स्क्रीन प्ले, सेंस ऑफ ड्रामा। और हर स्ट्रगलर की कहानी आज आपने अपनी स्क्रीन प्ले में दिखाई है। हम लोगों ने भी स्ट्रगल किया है। आपने लाइफ की ट्रेजेडी, स्ट्रगलर्स की ट्रेजेडी से जो कॉमेडी निकाली है उसके लिए सल्यूट। जसवंत आप वाकई में कॉमेडी की होप हो और लाफ्टर की बहुत बड़ी तोप हो। तो ये दोनों इस मंच पर मैडनेस को करते हैं मल्टीप्लाई, इम्प्रोवाइज करते हैं ऑन द फ्लाई। हमारे जजेस इन्हें कहते हैं पगलेट, लेकिन ये सबको हंसाकर करते हैं चेकमेट। Please welcome the crazy Bollywood boys, Gaurav Dubey and Ketan Singh. Adbhut! Adbhutas! Swagat, 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 devyo, sajjano! Are, Archana Puran Singh ji. Yes, Amit ji. Aapko main bade nazdik se janta hoon. मैंने कई बार देखा है आपको। हाँ याद आया, रविवार को जलसा के बाहर भीड़ में यही सबसे ज्यादा उछल कूद कर दिया। अरे मेरा प्यारा छोटा सा क्यूटी पाई अध्यन सुमन बेटे, कैसे हो?
बहुत अच्छे बच्चन साहब। पिताजी से कहिए कि हमने आपको नमस्ते भेजा है। जी जी। एक सेकंड। अरे ये तो खुद पिताजी हैं। बाप रे बाप, इतने जवान। बस हमारा ये शो जिसका नाम है क्यों बनेगा करोड़पति। क्यों बनेगा? आज हमारा स्पेशल एपिसोड है नागपंचमी स्पेशल, जहाँ पे हर सवाल पे हर सेलिब्रिटी को मौका मिलेगा यहाँ पे जवाब देने का। अच्छा, हर एक सवाल अलग अलग स्टार। तो सबसे पहले आ रहे जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए ऋतिक जी का। Are you ready? Are you with me? Then let's go for it. Yeah. Hey, Uncle Amit. Yeah. How are you? डर के लहरों की नौका पार नहीं होती। ये सब फालतू की सुनने नहीं आया हूँ मैं। Let's begin the show. मुझे शो खेलना है। ओके, तो विराजमान हो जाइए। वो मैं नहीं हो सकता, मैं ऋतिक हूँ, मैं विराजमान कैसे हो जाऊंगा? It's not possible. अरे मेरा कहने का मतलब ये कि हॉट सीट पे बैठ जाइए। ओ हॉट, तो ऐसा कहिए ना, विराजमान हो जाइए। आपका पहला सवाल। ओके। अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह पहली फिल्म कौन सी थी? आपके ऑप्शन ये हैं, ए अग्निपथ, बी कुछ कुछ होता है, सी जलवा या फिर डी टार्जन। टार्जन? I think it's quite simple. It's D. Tarzan. मैंने देखा था टार्जन फिल्म में, she was doing. आप कॉन्फिडेंट हैं? Yes, I am confident. ऐसे कैसे श्योर हो सकते हैं आप? अंकल अमित, एक छोटी सी हिंट दीजिए ना प्लीज। देखिए ये नियम के खिलाफ है, देखिए हम उल्लंघन नहीं कर सकते। प्लीज। नहीं नहीं, हम कोई हिंट नहीं देंगे। हम क्यों भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ? हम वन छोटा सा बात को समझिए, हम भेदभाव नहीं करेंगे। अंकल अमित, हाँ मैंने सोच लिया। ओके, याद आ गया जी। आई थिंक इट्स सी जलवा। श्योर है? एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट? यस। लॉक कर? यस। पक्का? यस। कच्चा? यस। पक्की? यस। लुकी? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं अंकल? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मामे इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू, इट्स लॉक इट, इट्स जलवा। ओके प्लीज लॉक सी जलवा। बिल्कुल सही उत्तर। थैंक यू अंकल अमित। अद्भुत, अद्भुत, अविश्वसनीय, आपातकालीन। तो अगले प्रश्न के लिए आ रहे हमारे बीच में बहुत ही उम्दा लेखक, प्लीज वेलकम जावेद जी। क्या बात है, क्या माहौल है यहाँ पर, बहुत बेहतरीन। जी जी। और यहाँ देखिए इन्हें, क्या बात है, जी जी। इतनी उम्र होती जा रही है, इनका जलसा होता जा रहा है। आपकी उम्र की इस पड़ाव देखिए, याद आता है मैंने। जी जी। माशूक का बुढ़ापा लज्जत दिला रहा है। जी। माशूक का बुढ़ापा लज्जत दिला रहा है, अंगूर का मजा अब किशमिश में आ रहा है। किशमिश चबाओगे, चूसोगे क्या? क्या किशमिश? बैठे आइए, विराजमान हो जाइए। उम्दा लेखक हैं आप, क्या बात है। तो जावेद जी, आपका सवाल रहा 500 रुपए के लिए। क्या 500 रुपए के लिए? 10,000 तो मैं घर से लेके आया हूँ। अरे कुछ कुछ कोई महंगा सवाल हो तो वो पूछिए, तो मजा दिया। हो गया कंप्यूटर जी, सवाल पूछिए 10,500 रुपए का। ये हुई ना बात। जावेद जी, अभी आपको एक धुन सुनाई जाएगी। धुन? वाह वाह वाह, क्या बात।
Computer, please play the music. Okay, तो इस गीत के लेखक का नाम बताइए. ए इमा वक्त, बी बिलालू, सी चिलम तक, या फिर डी ये कैसा भद्दा मजाक है. ये सवाल मुझे थोड़ा पेचीदा लगता है, इसलिए मैं लाइफ लाइन यूज करूंगा. फोन रखें, फरहान को फोन लगाइए. कौन है ये, क्या करते हैं ये? अरे पर्सनली जानते हो मेरा बेटा है, क्या फालतू. या लीजिए, बात कीजिए. हेलो बेटे फरहान. ओ यस डैड. सुनो, जब ये गाना सुनाया गया था, इसके लेखक कौन है? ए अलीखा दादा फुम, बी तिलीखा दादा तुम, सी चिलगोजा गिलम कुं, या डी ये कैसा भद्दा मजाक है? डैड इस वक्त मैं शूट पर हूँ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी लाइक दिस. ये कैसा भद्दा मजाक है? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू. ये कैसा डी आंसर डी. ये कैसा भद्दा मजाक है? इसे लॉक कीजिए. ओके कंप्यूटर जी, प्लीज लॉक डी. ये कैसा भद्दा मजाक है? ये मैं आपको चेक दे रहा हूँ जी. आप ये लीजिए. क्या करेंगे इस धनराशि का आप? इसका मैं खरीदूंगा अपना सेलो टेप. उसका क्या करेंगे? फिर कंगना मेरे बारे में आइंस्टीन कभी भी कहती रहती है, मैं उसके मुंह पे लगाऊंगा सेलो टेप. ओके करते निकल जाइए. अब अगले प्रश्न के लिए आ रहे हमारे बीच में ही टाइगर जिराफ. तालिया. वाह वाह, क्या बात है. अरे यार कितने शांत स्वभाव के आप, बहुत बढ़िया. आपका हम बहुत देखते हैं, उछल कूद बहुत पसंद आता था. थैंक यू यार. ओके ओके समझ गए प्लीज बैठिए. ओके टाइगर जी, जंगल जंगल बात चली है, डैश पहन के फूल खिला है. क्या पहन के फूल खिलाया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए मोजा पहन के, बी चड्डी पहन के, सी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के, या फिर डी टोपी पहन के. अरे यार ये कैसा भद्दा सवाल है. छोरे बच्चा हो क्या? अरे सॉरी यार मुझे गुस्सा बहुत. Sorry. इस सवाल के साथ मैं किस तरफ जाऊं, मुझे वो दिशा पता नहीं. थैंक यू, इसे 50-50 कर दीजिए, दो ऑप्शन हटा दीजिए ना. कंप्यूटर जी, दो गलत जवाब मिटा दीजिए. अब बचे हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम और मोजा. मोजा स्विमिंग कॉस्ट्यूम. मुझे लगता है स्विमिंग कॉस्ट्यूम, क्योंकि स्विमिंग कॉस्ट्यूम देखकर तो लोगों के गुलदस्ते खिल जाते हैं. फूल तो बहुत छोटी चीज है यार. प्लीज लॉक स्विमिंग कॉस्ट्यूम. बिल्कुल सही उत्तर. बहुत बढ़िया, क्या बात है. एक आपसे व्यक्तिगत सवाल पूछना था मुझे. क्या अंकल?
आप जीवन में और क्या करना चाहते हैं? अंकल अमित, मैं आपकी फिल्म शहंशाह का रीमेक करना चाहता हूँ यार। मैं शहंशाह बनना चाहता हूँ यार। आप मेरी फिल्म का रीमेक करना चाहते हैं? जरा कैमरा बंद कीजिए तो। मेरे पिक्चर का रीमेक करेंगे आप? सॉरी। आप ये सब करते 40 साल हो गए, शुरुआत से मुझे ये आप करेंगे उछल कूद बर्बाद कर देंगे आप। सॉरी यार, सॉरी। बदतमीज, कैमरा ऑन कीजिए तो। कितने उम्दा विचार है आपके। हम तो चाहते हैं कि आप हमारी सारी फिल्मों का रिमेक कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद, चलिए निकलिए। हट हट हट। अब बारी है सबसे बुद्धिमान, जो 4 वर्ष में 1 पिक्चर करते हैं। प्लीज वेलकम आमिर जी। वो क्या बात है यार, वो कमाल यार। उत्तरी हाय अर्चना, हाय शिखर, हाय 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 आने में इतना विलंब कैसे कर दिया? एक्चुअली मेरी फिल्म आ रही है लाल सिंह, तो उसके प्रमोशन के लिए मैं चड्डा खरीदने गया था। ओके, आइए विराजमान हो, ये शुरू करते हैं। थैंक्स यार। ओके ओके, बैठिए बैठिए बैठिए। उत्तरी तो ये रहा आपका सवाल। 2 और 2 कितने होते हैं? 5 2 4 4 डी अचार। ऑल राइट, आंखें बंद करके डी अचार लॉक कर दीजिए। कॉन्फिडेंट हैं आप? बिल्कुल। कंप्यूटर जी, डी अचार पे ताला लगाइए। अद्भुत। सही जवाब कैसे हो गया? एक्चुअली अगर आप एक नॉर्मल इंसान से पूछेंगे 2 और 2 कितने हुए तो बोलेगा 4, विच इज करेक्ट। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे आमिर 2 और 2 कितने हुए, तो मैं बोलूंगा 4। सो दैट वाज माय थिंकिंग साउंड जो यहां पर मैंने डाला है। वाह, ही लुक्स जस्ट लाइक हिम। ह्यूमर के लिए कल सुबह 6 बजे का मौन व्रत है मेरा। लेकिन खैर, आप जीत चुका है तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ओ क्या बात है यार, मेरी सालों की तपस्या मैं आपको देना चाहता हूँ। दीजिए प्लीज। उत्तरी, व्हाट इज ऑल दिस यार, ये क्या बद्दा मजाक है? बाबू बद्दा मजाक मेरे साथ। हमको स्टूडियो के अंदर जाने नहीं दे रहे थे, गेटअप करके आया ताकि एंट्री मिले। अद्भुत। ओ तो मैं भी आपको बता दूं कि मैं आमिर नहीं हूँ, एक्चुअली मैं कौन हूँ पता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं वही हूँ जो यहाँ पर टी-शर्ट शो करके जा चुका है। इस शो को दीमक की तरह मैं चांद रहा हूँ।